नमस्कार, वेलकम टू मनोरंजन म्यूजिक, जहाँ पे आपको मिलता है म्यूजिक का बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज काफ़ी दिन बाद मैं फिर आया हूँ विथ माय वायलिन। आज जो मैं बताऊँगा वायलिन का कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसमें आप वायलिन का जो बजने का तरीका अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप तो ऐसे बजाएंगे ही, उसके साथ उसका आप आनंद भी ले सकते हैं। आज जो मैं बजाने से पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि जब हम सारेगामा पादनिशा बजाते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग, सानी धापा मागारिसा या सारेगामा पादनिशा, उसमें कन्फ्यूजन कम रहता है। लेकिन जब हम एक दो नोट गैप रख के बजाते हैं तो उसमें क्या है कि कन्फ्यूजन आता है। तो कुछ अलंकार ऐसा है जो बजाने से वो कन्फ्यूजन दूर हो जाता है, तो वो अलंकार बजाना बेहद ज़रूरी है। और आज कुछ एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। वायलिन बजाने से पहले कुछ चीज़ हमें जानना बेहद ज़रूरी है। वायलिन बहुत तरीके से बजाते हैं, जैसे कि अरबिक म्यूज़िक या गल्फ कंट्री में वायलिन बजाने का तरीका अलग है, यूरोप कंट्री में वायलिन बजाने का तरीका अलग है, और हिंदुस्तानी में तो ऐसे हिंदुस्तानी और कर्नाटक स्टाइल में बजाते हैं, जो पैर में रख के बजाते हैं, गमक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। लेकिन आज मैं बताऊँगा ऐसा चीज़ जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वेस्टर्न में, जैसे स्टाकाटो हो गया, लागाटो हो गया, उसमें बजाने से वो एक मेस्मराइज एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कौन ये सब चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पहले आप जानते होंगे यूदी मेनुइन, ऐसे तो मोजार्ट म्यूज़िक में वायलिन का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर हम पिछले सेंचुरी का कुछ बात करेंगे, बड़े बड़े नाम, तो एक्चुअली कुछ नाम मैं बताऊंगा ऐसा। पहले जो है यूदी मेनुइन, ठीक है ना, यूदी मेनुइन जो है वो खतरनाक प्लेयर है। उसके बाद आता है आपका जैसे कि इजाक पॉलमैन जो है फ्रॉम इसराइल, वो ज़बरदस्त स्टाइल से बजाते हैं वायलिन, वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन है। फिर उसी हिसाब से सांबेल एरवेनियन जो यानी म्यूजिक में खतरनाक बजाते हैं, मेस्मराइज म्यूजिशियन है। उसके बाद जो आते हैं बिजामिन मर्ताजवी जो है वो पारसियन मतलब ईरान से बिलोंग करते हैं, ज़बरदस्त म्यूजिक बजाते हैं। और ऐसा हमारा हिंदुस्तान से एल सुब्रमण्यम जी जो है खतरनाक गमक यूज़ करते हैं। और उसके बाद आते हैं जो मैं पर्सनली उनको फॉलो करता हूँ, दीपक पंडित जी, तो वो भी ज़बरदस्त वायलिन बजाते हैं। तो ये जो है कुछ मैं नाम बताया, आप उनको भी देख सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। अभी जो मैं बताऊंगा वो अलंकार पैटर्न है, ठीक है ना। अलंकार पैटर्न देखिए कैसे, पहले देखिए आज जो मैं अलंकार बताऊंगा वो अलंकार क्या है। देखिए अलंकार ये है, देखिए पहले तो सारेगामा पाधा मतलब पहला एक सप्तक, फिर पांच फिफ्थ नोट तक है, मतलब वन फिफ्थ ऑक्टेव, ठीक है। फिर ये सागा पागा रे मा दा मा गा पानी पा गा पानी पा, हर एक को चार चार बार बजाने का है, ठीक है ना, चार चार बार बजाने का है। फिर ये पूरा एकदम और एट बीट में, ठीक है। और ये स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर भी है। पहले आपको क्या है, आपको पहले सिंपल सारेगामा पादनिशा पहले बजाने का, इसमें मैंने माँ जो है तीव्र रखा है, क्योंकि मैं कल्याण थाट में बताया था, और कल्याण में क्या है कि माँ तीव्र होता है, क्या है कि इसमें क्या है कि कन्फ्यूजन आपका दूर होता है। और आशा करता हूँ आप कल्याण थाट ऑलरेडी ये कर चुके होंगे, प्रैक्टिस कर चुके होंगे, इसलिए मैं माँ को तीव्र रखा हूँ, ठीक है। दोबारा कर देता हूँ, इसको सुना देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं माँ शुद्ध रखा, ठीक है, तो माँ और सारे गा मापा मापा जो ट्विन नोट होता है, मतलब आपस में जोड़ के, तो माँ तीव्र होता है, ठीक है। सा
तक निशा, ठीक है। अब जो है मैं बताऊंगा अलंकार, पहले सागा पागा को आराम से प्रैक्टिस कीजिए। इसको हम बीट में अगर बजाएंगे, पहले इसको तो पहले बो जो है पूरा ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। अब मैं बीट के साथ बजाऊंगा, इसको हम दोगुना बजाएंगे, वही आरो आज से आरो होगा। उसका दोगुना, ये जो है ये तो हमने बताया। अब क्या है कि इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है, इसको कैसे करते हैं, कैसे हाथ जब बैठ जाए तो उसके बाद ये प्रैक्टिस करना है। देखिए बीट के साथ कैसा होगा, thank you।
ठीक है ना, दोबारा तो ये पहले स्लो मोशन से फिर स्पीड मोशन, ठीक है ना। अभी कोई बंधु हमें पूछ रहे थे कि डी स्केल से कैसे सारेगामापधनिसा होता है। देखिए कैसे होता है बताता हूँ। डी स्केल से पहले देखिए, जी डी ए में अगर आप वायलिन बांध रहे हैं, मतलब उसको ट्यूनिंग करते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेकंड स्ट्रिंग जो है डी है, सारे गामा, सारे गामा, गामा जो है ट्विन नोट होता है, गामा हो गया, ये शुद्ध मा हो गया, ये तो थोड़ा कुछ जगह माँ थोड़ा स्लाइटली तीव्र हो गया, क्योंकि मैं कल्याण के ऊपर प्रैक्टिस बजा रहा था, कोई नहीं। तो माँ पा जो है आपको उसके ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर आप जब बजाएंगे तो ये हो गया डी स्केल में सारेगामापधनिसा। तो इसको आप, तो जो वीडियो आपने देखा अभी, तो उसको आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन टॉप कंडीशन है आप जी डी ए में आपको ट्यूनिंग करना पड़ेगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना ना भूले, और ताकि आपको नया वीडियो, नया आइडिया मिलता रहेगा। और फेसबुक में मेरा मनोरंजन म्यूजिक नाम पर एक चैनल भी है, जहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, जहाँ पे आपका अपना क्वेरी आप शेयर कर सकते हैं, और यूट्यूब में भी कमेंट बॉक्स में आप अपना व्यू शेयर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए वायलिन अच्छा से, और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।